मंत्री बोले जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक विधानसभा क्षेत्र आसीन में भोजपुर, माइक पे बोले आवाज आएगी। जीर्ण उद्धार का कार्य डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट योजना अंतर्गत 12/1/2022 को प्रारंभ कर राशि 68.68 लाख का व्यय किया जा चुका है तथा अंतिम बिल की राशि 15.20 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। कार्यदेश पूर्ण किया जा चुका है। खंड दो, फीडर में सुचारू जल प्रवाह हेतु आवश्यक कार्य के प्रस्ताव तैयार कर DMFT मत से स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं। स्वीकृति के उपरांत कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब मिला वो जवाब ही अधिकारियों ने सही नहीं दिया है। मैंने पूछा था भोजपुरा फीडर का कार्य कब शुरू हुआ और अब तक उसमें कितनी राशि व्यय हुई और क्या कारण रहे कि वो उसका कार्य इतने लंबे समय के बाद अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रस्ताव DMFT में भेजे गए थे और वहाँ से भी कुछ टाइम तक के डिले हुआ है, लेकिन कार्य को हमने पूरा कर लिया गया है और अब शेष कोई कार्य बाकी नहीं रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मैंने ये पूछा है कि भोजपुरा फीडर का कार्य कब शुरू हुआ और उसमें कितनी राशि व्यय हुई। आप जो बता रहे हैं कि कार्य पूरा हो गया, ये आपके अधिकारियों ने आपको गलत जानकारी दी है। भोजपुरा फीडर का कार्य अभी तक बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। DMFT फंड से 1,20,00,000 रुपये सेंक्शन हुए थे, उसमें 68 लाख रुपये लगे हैं। क्या कारण रहा है कि वो पैसा लगा नहीं और इतना डिले होने का कारण क्या रहा है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार भोजपुरा फीडर का कार्य अध्यक्ष महोदय 40 वर्षों से चल रहा है। 40 वर्ष पूर्व चालू हुआ था, अब तक पूरा नहीं हुआ है और उसे लगभग 150 गांवों के पीने के पानी की प्रश्न पूछा होगी। बात कंप्लीट कब हो जाएगा? कंप्लीट बता दें। ठीक, अगला बता दिया, कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। दोबारा बोल दें, कंप्लीट कब हो जाएगा? कार्य को जो दिया था पैसा हमने पूर्ण कर लिया गया है। 15.20 लाख रुपए भुगतान करना शेष है, बाकी जो शेष काम रह गया इसका DMFT में प्रस्ताव गया है, जब भी स्वीकृति हो जाएगी हम उसको पूर्ण कर लेंगे। अगला प्रश्न गुरदीप सिंह। 516